और यहां मंदिर के में जनरेटर से पंखे चल रहे होते हैं तो इसलिए उनकी दूध की डेरी थी कहती मैं सुबह तीन बजे की जगी होती सब गाय भैंस को देखना दूध दुहना और कहती अब सत्संग का समय तीन बजे है और वही टाइम में कहती घर लाइट भी नहीं होती तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी मैं बहुत थकी होती हूँ और इसलिए जब यहाँ आके बैठती हूँ तो नींद भी आ जाती मैंने कहा अच्छा ये बात है तो हमारी बड़ी हमदर्दी है तेरे साथ तो कल से हम तुमको एक सिराना भी दिया करेंगे और तू पीछे एकदम जब सब आगे आगे बैठ जाए तो तू पीछे लेट जाया कर सो जाया करो नहीं नहीं ऐसे थोड़े ना मैं इसलिए थोड़ी आती हूं मैं तो सुनने आती हूं तो मैं क्या करूं मेरे को नींद आ जाती ये भी बात सही क्या करे नींद आ जाती अधिक नींद आना तमोगुण का लक्षण होता है हल्की नींद आना रजोगुण का लक्षण हल्की नींद मतलब जो नींद बार बार टूटती है वो रजोगुण का लक्षण और ऐसा सोना कि कान के पास कोई घंटे घड़ियाल बजाए और तुम्हारी नींद फिर भी ना टूटे ये तमोगुण वाली नींद होती और आप सोए और सपने ना आए और आंख खुले और आप अपने आप को एकदम फ्रेश ताजा महसूस करें हल्का महसूस करे तो आपकी नींद सत्वगुणी थी तो सत्वगुणी नींद तो सबसे उत्तम नींद होती है और इस नींद से पोषित हुआ शरीर फिर सोता नहीं है दोपहर की सिटिंग में मजाक नहीं है सच में आपको हम सुलवाएंगे योग निद्रा में और उसमें भी बार बार यही सावधानी बरतने को कहेंगे कि नींद का जब जोश आवे तब भी जगते रहो और मेरी आवाज़ को सुनते रहो ये ये एक एक्सपेरिमेंट होगा दोपहर में जहाँ आप लेटेंगे और लाइटें भी बंद होंगी देखिए हम पूरे इंतजाम करा रहेंगे कि तुम सो जाओ लेकिन चैलेंज यही होगा कि सोना नहीं है और हमारी आवाज़ को सुनते हुए पर आपने उस पूरे कार्यक्रम को पूरे निर्देशों को प्रैक्टिकल करना है